स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आज का हमारा सेशन बहुत ज़्यादा उम्दा, बहुत ही ज़्यादा धांसू रहने वाला है, तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। और हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट और अच्छे हैं। कह रहा है एर्गोटामिन इज यूज इन माइग्रेन बिकॉज इट कॉजेज, जो एर्गोटामीन होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइग्रेन के ट्रीटमेंट में, एक्यूट माइग्रेन के ट्रीटमेंट में। और ये क्या करता है जाकर के, जिससे हमारा माइग्रेन का जो पेन होता है ब्रेन में जाकर के, जो सिर में दर्द होता है वो कम हो जाता है। तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है जाकर के। होता क्या है, जो सिफेलिक नर्व होती है जाकर के, वो सिफेलिक नर्व जो है डायलेट हो जाती है और साथ ही साथ उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। क्या जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है और साथ ही साथ वो जो सिफेलिक नर्व है वो हमारी डायलेट हो जाती है। तो इस डायलेशन को और इस जो इन्फ्लामेशन को कम करता है जाकर के हमारा एर्गोटामिन। और ये क्या कर देता है, डायलेशन की जगह वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है जाकर के, यानी जो वेसल्स होती है सिफेलिक जो नर्व होती है उसको वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जो फैल जाती है उसको सिकोड़ देता है जाकर के, है ना, श्रिंक कर देता है जाकर के। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है एर्गोटामिन का माइग्रेन की कंडीशन में। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है हमारा अगले क्वेश्चन, कह रहा है ह्यूमन स्पर्म में कंटेंस, जो ह्यूमन स्पर्म होता है वो क्या कंटेंस करता है, आप बताएंगे एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। या तो एक्स क्रोमोसोम्स कंटेन करेगा या तो वाई क्रोमोसोम्स कंटेन करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा। कह रहा है कि द मेडिसिन यूज्ड टू स्टॉप गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, जो गैस्ट्रिक ब्लीडिंग जब हो जाती है तो हम लोग कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, आप बताएंगे पिट्रेसिन। तो पिट्रेसिन मेडिसिन यूज्ड टू स्टॉप गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, जब भी गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होगी जाकर के तो हम लोग पिट्रेसिन मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इफ़ द एवरेज वेट ऑफ अ टैबलेट इज 300 mg देन अलाउड वेट वेरिएशन इज, कह रहा है किसी टैबलेट का अगर एवरेज वेट जो है 300 mg है तो किस इसमें वेट वेरिएशन हम लोग कितना कर सकते हैं, तो आप बताएंगे ±5%। देखिए इसकी तीन कैटेगरी होती है टैबलेट के लिए, अगर 80 mg से कम है, ठीक है ना, अगर 80 mg से कम टैबलेट है तो हम लोग इसमें ±10% करेंगे जा करके। 80 से लेकर के 250 mg के बीच में है तो हम लोग इसमें करेंगे ±7.5%। और अगर 250 mg के ऊपर है, देखिए यहाँ पे क्या है 300 mg है, तो कितना हो जाएगा जा करके ±5%, जो कि इसका राइट आंसर होगा जा करके। इसका राइट आंसर क्या कह रहा है, इफ़ द एवरेज वेट ऑफ अ टैबलेट इज 300 mg देन अलाउड वेट वेरिएशन इज 5%, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि प्रोटीन डिफिशेंसी डिसीज इज नोन एज, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि प्रोटीन की डिफिशेंसी कौन सी डिसीज होती है, क्वाशियरकोर एंड मैरिस्मस, ये दोनों डिसीज जो होती है प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है देखिए ये भी। हालांकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं लेकिन ये आने चाहिए। एलिमेंट फाउंड इन द ब्लड, ब्लड में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, आप बताएंगे आयरन पाया जाता है, तो ब्लड में आयरन पाया जाता है ये आप सभी को पता है, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि विटामिन बी ट्वेल्व में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे जाकर के, तो आप बताएंगे कोबाल्ट, ठीक है, कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है कोबाल्ट। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि कोबाल्ट तत्व तो किस विटामिन में पाया जाता है, तो आप बताएंगे कोबाल्ट तत्व तो जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कई एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, UPNHM ने तो इसको बहुत बार रिपीट किया है। क्या कह रहा है, ल्यूगोल सोल्यूशन इज, तो आपको बताना है ल्यूगोल सोल्यूशन क्या होता है, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन ये हमारा ल्यूगोल सोल्यूशन कहलाता है। एक्वस आयोडीन सोल्यूशन ही हमारा ल्यूगोल सोल्यूशन कहलाता है। और साथ ही साथ ये फार्मूला पूछ लेता है आपसे कभी कभी, 5% ऑफ आयोडीन प्लस 10% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड वेट पर वॉल्यूम, ये चीज़ें याद रखनी है आपको, वेट पर वॉल्यूम, 5% ऑफ आयोडीन वेट पर वॉल्यूम प्लस 10% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड वेट पर वॉल्यूम, ये इसका फार्मूला होता है ल्यूगोल सोल्यूशन का। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइन ड्रॉपलेट्स फॉर लंग स्प्रे आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग, कह रहा है कि हम लोग किसका इस्तेमाल करके, फाइन का मतलब होता है काफ़ी जो है महीन, है ना,
महीन या छोटे छोटे फाइन, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो हवा में कण होते हैं लिक्विड के, तो फॉर लंग स्प्रे, लंग की स्प्रे के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, नेबुलाइज़र। अगर हम लोग लंग्स को स्प्रे करना है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे जिससे फाइन ड्रॉपलेट्स लंग में जाएं, लंग्स में जाएं, तो आप बताएंगे नेबुलाइज़र जो है लंग्स में जाने के लिए फाइन्स जो है ड्रॉपलेट्स तैयार कर देता है। तो फाइन ड्रॉपलेट्स फॉर लंग्स स्प्रे आर प्रोड्यूस्ड बाई यूजिंग नेबुलाइज़र, नेबुलाइज़र का यूज़ करेंगे, फाइन स्प्रे हमें मिल जाएगा, जाकर के फाइन ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, पढ़ेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है पेरेंट्रल प्रोमोट्स इज यूज्ड अगेंस्ट वॉर्म। देखिए वॉर्म का मतलब होता है जाकर के एंथेलमेंटिक कीड़े, ठीक है ना। तो हम लोग पेरेंट्रल जो प्रोडक्ट है वो दे देते हैं जाकर के किस में, अगेंस्ट वॉर्म में, तो इसका क्या रोल होता है जाकर के। कह रहा है कॉजेज स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ द वॉर्म, ये क्या कर देते हैं जाकर के, वॉर्म में स्पास्टिक पैरालिसिस कर देते हैं जाकर के, ठीक है। तो सीधे सीधे याद करना है कि पेरेंट्रल प्रोमोट्स इज यूज्ड अगेंस्ट वॉर्म एज इट कॉजेज स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ द वॉर्म। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जाकर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है राइसिनस कम्युनिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइसिनस कम्युनिस बिलोंग्स टू द फैमिली, राइसिनस कम्युनिस का आपसे पूछ दिया जाता है सेकंड नेम क्या है, तो बताएंगे कैस्टर ऑयल। तो राइसिनस कम्युनिस का सेकंड नेम है कैस्टर ऑयल, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप बताएंगे ई यू फॉर बी ए सी फैमिली से कैस्टर ऑयल बिलोंग करता है, राइसिनस कम्युनिस्ट के नाम से, ठीक है ना। राइसिनस कम्युनिस्ट जिसको कैस्टर ऑयल भी कहते हैं बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ई यू फॉर बी ए सी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, करिए देखिए, कह रहा वन ऑफ द बोन इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन लेग। कह रहा है ह्यूमन लेग में इनमें से कौन सी बोन जो है जो ह्यूमन लेग में नहीं पाई जाती, तो रेडियस है, क्योंकि रेडियस और अल्ला कहाँ पाई जाती है, हाथ में पाई जाती है ना, रेडियस और अल्ला हाथ में पाई जाएंगी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जगह कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है डिक्रीज WBC काउंट, अगर WBC का काउंट डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ल्यूकोपीनिया, ठीक है ना। अगर वही WBC का काउंट बढ़ जाए तो क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है ना। तो बढ़ने का मतलब क्या होता है जाकर के, कि जब भी WBC का जो है संख्या बढ़ जाती बॉडी में, तो उसका मतलब होता है इज अ साइन ऑफ, ये एक इंडिकेशन होता है कैंसर की तरफ, ठीक है ना। तो WBC का जो कैंसर होता है जाकर के, उसका ये साइन एंड सिम्टम्स होता है कि जब भी इंक्रीज हो जाए एबनॉर्मल अमाउंट में, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, और डिक्रीज WBC काउंट को कहते हैं ल्यूकोपीनिया। फिर हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि लार्जेस्ट नर्व इन बॉडी, बॉडी में जो सबसे लंबी नर्व है, जो सबसे बड़ी नर्व है, सॉरी लॉन्गेस्ट नहीं, यहाँ पे लार्जेस्ट कह रहा है, लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी, तो आप बताएंगे सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नर्व है ह्यूमन बॉडी में, तो लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी सियाटिक नर्व। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि टूथ आर या टीथ आर रिक्वायर्ड, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टीथ आर रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, जो भी हम खाना खाते हैं उसकी क्रशिंग के लिए और उसकी ग्राइंडिंग के लिए हम लोग किन टीथ का इस्तेमाल करते हैं, कौन से टीथ का इस्तेमाल, कौन से दांतों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कहते हैं मोलर टीथ, है ना। तो मोलर टीथ का इस्तेमाल करते हैं फूड को क्रश करने में और ग्राइंड करने में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी, देखिए है बेसिक क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन आ जाता है तो मैंने डाल दिया इसमें। तो क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है जाकर के, देखिए 23 पेयर होते हैं, अगर पेयर पूछ दिया जाए कितने जोड़े होते हैं, तो आप बताएंगे 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कितने नंबर होते हैं, जो आकर के बता देंगे जो 46 नंबर में होते हैं जाकर के, है ना, टोटल 46 होते हैं जिसमें से 23 जोड़े होते हैं और 46 पूरे जो है होते हैं नंबर में। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है पॉइजनिंग विद कार्बामेट्स इंसेक्टिसाइड इज बेस्ट मैनेज्ड बाई, जब भी कभी कार्बामेट्स इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है जाकर के, जो भी कीड़े मकोड़े मारने की जो मेडिसिन होती है उसको कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स। तो अगर इनकी पॉइजनिंग हो जाए, कार्बामेट्स इंसेक्टिसाइड कार्बामेट्स की पॉइजनिंग हो जाए, तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, आप बताएंगे एट्रोपीन दे करके मैनेज कर लेंगे। तो एट्रोपीन दे देंगे और कार्बामेट्स
इंसेक्टिसाइड की जो पॉइजनिंग है उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर लेंगे। तो पॉइजनिंग विद कार्बामेट्स इंसेक्टिसाइड इज बेस्ट मैनेज्ड बाय एट्रोपीन। ओरल कंट्रासेप्टिव कंटेंस कह रहा है, जो ओरली कंट्रासेप्टिव हम लोग देते हैं तो उसमें क्या होता है आप बताएंगे, मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन। तो मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन इज यूज इन द एज अ ओरल कंट्रासेप्टिव कंटेंस, ठीक है, एज अ ओरल कंट्रासेप्टिव, सॉरी कंटेंस नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ओरल कंट्रासेप्टिव कंटेंस मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टिन। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि आइडेंटिकल ट्विंस अराइज व्हेन, क्या आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब होता है जो जुड़वा होते हैं, जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो कब हो जाते हैं। तो आप बताएंगे जब सेल्स डेवलप्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द सेम जायगॉट, जब एक ही जायगॉट से दो अलग अलग सेल्स इंडिपेंडेंटली यानी खुद जो है अपने आप में जो है विकसित होने लगे तो उसको कहते हैं क्या, आइडेंटिकल ट्विंस बनना है, ठीक है ना। जब एक जायगॉट से दो सेल्स डेवलप हो जाएं, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कोलेस्टायरामीन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, कह रहा है जो कोलेस्टायरामीन है इसका हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, किस में इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट में। तो आप बताएंगे हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया, जब भी क्या होता है बॉडी में फैट का या लिपिड्स की अधिकता हो जाती है, एक्सेसेस हो जाती है, तो उसको कहते हैं हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया। तो इस कंडीशन में हम लोग कोलेस्टायरामीन का इस्तेमाल करते हैं जो जाकर के डाउन कर देता है किसको, लिपिड्स को या एक्स्ट्रा फैट को बॉडी के अंदर से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, अगर नहीं पता है तो इसमें आप लिख लीजिए VVVIP यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद, ग्रे बेबी सिंड्रोम किस से एसोसिएटेड है, तो आप बताएंगे एंटीबायोटिक से होता है, और कौन से एंटीबायोटिक, क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरामफेनिकॉल कॉजेज ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है ना, या ग्रे बेबी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद क्लोरामफेनिकॉल। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एरिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक बिलोंग्स टू, इसको भी आप कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन जो है एक एंटीबायोटिक है, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो आप बताएंगे मैक्रोलाइड कैटेगरी की। तो मैक्रोलाइड कैटेगरी की एरिथ्रोमाइसिन है, एंटीबायोटिक है, ठीक है, इसको याद रखेंगे कि एरिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक बिलोंग्स टू मैक्रोलाइड कैटेगरी। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इंटेरिक कोटिंग इज डन विद, जो इंटेस्टाइन के लिए मेडिसिंस, ऐसी मेडिसिंस जो इंटेस्टाइन में जा करके घुले जा करके, उसको कहते हैं इंटेरिक कोटेड टैबलेट। और इसकी जो कोटिंग करी जाती है, इस टैबलेट की जो कोटिंग करी जाती है वो किससे करते हैं, सेलुलोज एसिड थैलेट, यानी इसको कहते हैं शॉर्ट में CAP कैप, सेलुलोज एसिड थैलेट और जीन। तो ये दो चीज़ें होंगे, जीन और कैप, सेलुलोज एसिड थैलेट और जीन, इनसे कैपिंग करी जाती है इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स की। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जा करके। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन मदर इज, मदर में मिल्क के सिक्रीशन जो होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, आप बताएंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन मदर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है एन एंजाइम्स दैट वर्क्स इन एन एसिडिक मीडियम, एक ऐसा एंजाइम जो कि एसिडिक मीडियम में काम करता है उसको कहते हैं पेप्सिन, है ना। तो पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि एसिडिक मीडियम में काम करता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टीम डेस्टिनेशन इज यूज्ड फॉर स्प्रेडिंग, जब स्टीम डिस्टिलेशन हम लोग करते हैं, भाप आसवन विधि का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें क्या अलग करना हो, तो आपको बताना है इमिसिबल सॉल्वेंट, व्हेन टू इमिसिबल सॉल्वेंट। तो स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज फॉर स्प्रेडिंग इमिसिबल सॉल्वेंट, यानी ऐसे सॉल्वेंट्स को अलग करना हो जो इमिसिबल हों, आपस में मिक्स ना होते हों, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दो प्रोडक्ट हैं, दोनों एक दूसरे में मिल नहीं रहे हैं, तो इनको जब गर्म किया जाएगा तो इवेपोरेट हो जाएंगे जाकर के, जब इवेपोरेट होंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है ना, वो पहले इवेपोरेट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बाद में इवेपोरेट होगा। तो पहले जो मान लीजिए किसी का 10 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 10 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट होकर के जा करके दूसरी जगह कलेक्ट हो गया, और इसका मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, तो ये 50 डिग्री सेल्सियस पे जब तक इसको हम लोग 40 तक ले जाएंगे तो ये वाला सारा उड़ चुका होगा और बाकी ये वाला बचेगा, दूसरा वाला प्रोडक्ट। तो इसी कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, जब हमें दो इमिसिबल सॉल्वेंट को अलग करना हो तो उसके लिए करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन।
तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो टॉप 25 क्वेश्चन या जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लाते रहेंगे अलग अलग सीरीज़ के रूप में। करना आपको इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।